असलम आई माय टी फैमिली कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारे से नन्ही मुन्नी बच्चियों के जो है रेड कलर के फ्रॉक के डिज़ाइन शेयर किए हैं बहुत ही खूबसूरत हैं अगर आपके पास कोई कपड़ा है रेड कलर में तो आप इधर से डिज़ाइनिंग आइडियाज़ बहुत अच्छे से ले सकती हैं इसके अलावा आपके पास कोई भी कलर का फैब्रिक है उनके ऊपर भी ये डिज़ाइनिंग जो है बहुत ही बसानी तरीके से बन जाएगी ईजी टू स्टिच है होम मेड स्टिच है ये देखें लेस के साथ डिज़ाइनिंग की गई है प्रिंटेक्स के साथ लेस के साथ ये फ्रिल बनाई गई है ऊपर टाई बनाई गई है फुल रेड में भी कर सकती हैं रेड के साथ कोई सा भी कंट्रास्ट कर सकती हैं बहुत ही प्यारे से डिज़ाइन है इसकी आज की जो वीडियो है तो आई होप कि आपको काफ़ी डिज़ाइनिंग जो है वो अच्छी लगेगी ये देखिए मैंने जो आपके साथ शेयर किया था आप इसको किसी भी कलर में बना सकती हैं आप रेड कलर में बना सकती हैं जस्ट लेस इस्तेमाल की गई फैब्रिक यूज़ किया गया है और बहुत ही प्यारे तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस तरह से भी आप फ्रिल बना सकती हैं सेंटर में लेस लगा सकती हैं तो हाँ, जो नेक लाइन है वो देख सकती हैं इसके स्लीवस के डिज़ाइन देख सकती हैं बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग है नेट का फैब्रिक है आपके पास वेलवेट का फैब्रिक है लीलन मरीना खदर कॉटन बेबी गर्ल्स की जो कॉटन होती है वो उसके ऊपर भी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी हो जाती है और वो जो है आप उसको ऑल ओवर सीजन में भी पहना सकते हैं इस तरह से भी आप रेड कलर का डिज़ाइन बना सकती हैं साथ में गोल्डन थोड़ी सी लेस का यूज़ कर सकती हैं और मैक्सिमम ज़्यादातर रेड और वाइट जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है इसके अलावा आप चेक ले सकती हैं रेड कलर में ये देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा और ट्रेंडी लुक लग रहा है आई होप कि आपको बहुत ही प्यारे लगेंगे मेरी आज की इस वीडियो में डिज़ाइन ये देखिए इधर ब्लैक कलर यूज़ किया गया है लेकिन वाइट कलर ज़्यादा उठता है ब्लैक कलर की बनस्पत तो आप कलर कॉम्बिनेशन देख सकती हैं ये भी बहुत ही प्यारा लगता है बहुत ही खूबसूरत लगता है साथ छोटी सी पिन बना दिया अगर बच्चों की हेयर पिन जो होती है तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग